पानीपत जिले के मतलूडा कस्बे में छोटे भाई को अपने बड़े भाई की मौत का इतना सदमा लगा कि वो खुद की मौत का इंतजार करने लगा। 3 महीने तक घर से बाहर नहीं निकला। करीब 45 दिन पहले उसने खुद को शौचालय में बंद कर लिया था। कभी कोई खाना दे देता तो खा लेता था, नहीं तो खाली पेट ही समय गुजारता। वो हमेशा मरने की बात करता था। वहीं दूसरा भाई मानसिक रूप से बीमार है, उसे दुनिया की कोई जानकारी नहीं है। वो भी सालों से एक ही चारपाई पर भूखा प्यासा पड़ा है, उसने नहाया तक नहीं है। स्थानीय निवासियों ने इसकी सूचना जनसेवा दल संगठन को दी। चमन गुलाटी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची। वहां पहुंचकर दोनों भाइयों को बचा लिया गया। दोनों को एम्बुलेंस से सीधे संगठन के अपना आशियाना लाया गया। उन्हें नहलाया धुलाया गया और खाना भी खिलाया गया। कहा जाता है कि हर समस्या का हल जनसेवा दल। मतलोडा से हमारे पास फोन आया, उनका कहना था कि 4 भाई हैं ये, जिनमें से एक भाई की डेथ हो चुकी है, एक भाई घर से निकल चुका है और 2 भाई जो अपने घर में रह रहे हैं। एक भाई अपने आप को ये चाहता है, जिसका नाम शंटी है, कि मैं जब से उसके भाई की मृत्यु हुई है कि मैं जीना नहीं चाहता और मैं इस अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहता हूँ। उसने 40-45 दिनों से के अंदर अपने आप को बाथरूम के अंदर ढक रखा था और बाहर निकलता नहीं था। जब भी खोलने जाता था पैर अड़ा देता था और अपनी अंदर उसके कोई पानी बस पी लेता था और उसको कुछ नहीं खाया। मगर जब हम जनसेवा दल को इस बात का पता लगा तो हम मतलोडा पहुँचे एम्बुलेंस लेकर और दोनों भाइयों को हम पानीपत में लेकर आए हैं। और इनको आके इतने बुरी हालत थी इनकी, कपड़े ऐसे थे 6 महीने साल भर से ये नहाए भी नहीं थे। लेटरिन भी थी तो इनके अंदर थी, नज़दीक कोई खड़ा नहीं हो सकता था। आकर इनका यहाँ आकर इनको पहले नहलाया धुलाया, इनको पानी पिलाया, खाना खिलाया। एक भाई जो शंटी है कहते हैं मेरे पेट में कुछ दिक्कत आ रही है, एक रोटी बड़ी मुश्किल से खा पा रहा है। दूसरा भाई जो मंद बुद्धि है वो खा लेता है। और इनका जो हमें इस हालात देकर हमारा मन भी पिसीज गया और इन दोनों भाइयों ने ये सोचा था कि हमें जीना नहीं है अब, इनको हमें जीने की ज़िंदगी के लिए हम भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं और जिएंगे भी। अब डॉक्टर को बुलाकर इनका जो भी ट्रीटमेंट हम वह भी कराएंगे और जनसेवा दल हमेशा यही सेवा करता रहेगा। कोई भी किसी को किसी तरह की सेवा की जरूरत हो, जनसेवा दल अपना आशियाना ऐसे बुजुर्गों के लिए जिनका कोई नहीं है। इनके परिवार में ये 4 भाई हैं। चारों भाइयों में किसी की शादी नहीं हुई, माँ बाप की मृत्यु हो गई। एक भाई जो कमाने वाला था, हैंडलूम का व्यापार करता था, वो जो पानीपत में यहाँ मतलोडे पहुँचा तो कुछ ऐसे रिव्यू चक्कर में फंस गया कि वो कर्जवान हो गया। जो इनको खाना खिला रहा था वो भी घर छोड़ के चला गया। एक भाई जो पहले काम करता था उसकी मृत्यु होगी, तो अब इन दोनों के लिए जीना बड़ा ही मुश्किल हो गया था। इनकी कहानी सुनते हैं तो हर किसी की आंखों से भी आंसू आते हैं और दिल भी पिसीज जाता है कि परमात्मा ने इनके साथ क्या किया और इनके क्या कर्म थे। अब आगे हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे इनके कर्म भी चेंज हो जाएं, आप लोगों का सभी का सहयोग। जानकारी देते हुए स्थानीय निवासी हरिचंद खुराना ने बताया कि ये 4 भाई थे, इनमें से किसी की शादी नहीं हुई थी। इनके पिता लक्ष्मी चंद छोले भटूरे और आइसक्रीम बेचकर घर चलाते थे। 12 साल पहले उनकी मौत हो गई। दूसरा भाई अशोक लोन एजेंट के जाल में फंस गया और कई ग्रामीणों से पैसे निवेश करवा लिए, इससे अशोक कर्जदार हो गया। 5 साल पहले वो फरार हो गया, उसका कोई पता नहीं चल पाया। कोरोना काल से पहले इनकी माँ फूला देवी की मौत हो गई, तब भी अशोक नहीं आया। तीसरा भाई राजकुमार हिमाचल में हैंडलूम का काम करने लगा, वो भाइयों के खाने का इंतजाम करता था। 3 महीने पहले वो गांव आया हुआ था, कुछ दिन बाद उसकी भी मौत हो गई। छोटे भाई विजय ने अंतिम संस्कार किया, इसके बाद विजय ने खुद को शौचालय में बंद कर लिया। सबसे बड़ा भाई सुरेंद्र मानसिक रूप से बीमार है। इतनी समझ है भी और नहीं भी है, पढ़ा लिखा भी हूँ लेकिन नहीं भी हूँ। बस ये है, नशे भी किए हैं तो अब बस जो अंदर पेट की बात है तो मेरी 4-5 दिन से नहीं मान रहे, कोई झूठा घोल के पता नहीं क्या क्या दे देते हैं। मैं सच्चाई बताता हूँ, झूठ मानते हैं, इसीलिए मैंने इनको कहना ही छोड़ दिया। मगर मैं कुछ नहीं कहूँगा, वहाँ से झूठ मूठ उठा के लड़ा मिलड़ा के कुछ कुछ उनको दे देते हैं हमको। यहाँ पर आए हो, कैसा लग रहा है? यहाँ पर बताओ, आपको खाना दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं ये बताइए, कैसा लग रहा है? अब ठीक
ठीक जीने के लिए मन करता है कि नहीं करता, ये बताओ। अब जियोगे ना, हम आपकी सेवा करेंगे, आपके भाई हैं हम भी, बोलो बताओ आप जियोगे ना। तो ऐसे में अब जन सेवा दल की टीम ने इन दोनों भाइयों का रेस्क्यू कर लिया है और दोनों को बचा लिया गया है और अपना आशियाना लाया गया है, जहां पर आप देख सकते हैं कि पहले और अब की तस्वीरों में कितना फर्क है। पूरी टीम द्वारा इन्हें नहलाया गया, साफ सुथरे कपड़े पहनाए गए, खाना खिलाया गया और अब ये लोग यहीं पर रहेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे जन सेवा दल की टीम को? अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।